हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स कई क्लियर हो जाते हैं। द फिंच स्पीसीज गैलापागोस आइलैंड्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स। गैलापागोस आइलैंड पे अपने डार्विन साहब को फिंचेस की अलग अलग स्पीसीज देखने को मिली, जो कि कॉमन उनका एंसेस्टर था। सीड ईटिंग हैबिट वाली स्मॉल फिंचेस से अलग अलग फिंचेस बन गई हैं ड्यू टू एडेप्टिव रेडिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ फिंच फाउंड। तो इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो वहाँ पे वो फिंच नहीं मिली थी। फिंचेस की अलग अलग टाइप अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट डिस्क्राइब करी गई है। उनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जिस टाइप की फूड हैबिट वाली फिंच गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन को नहीं मिली थी। इंसेक्ट ईटिंग मिली थी। ट्री बर्ड ईटिंग, तो हम लोग को इंसेक्ट ईटिंग के अलावा, इंसेक्टिवोर्स के अलावा वेजिटेरियन मिली थी। ट्री के पार्ट्स को, बर्ड्स को खाने वाली मिली थी। सीड ईटिंग तो कॉमन ही थी, जो सबसे पहले थी। कैरियन नहीं थी। कैरियन क्या होता है? कैरियन होता है डेड ऑर्गेनिक पार्ट को खाने वाला। तो डेड ऑर्गेनिक पार्ट को खाने वाला ये फिंच नहीं थी। तो आंसर हमारा है कैरियन। द स्मॉल ब्लैक बर्ड्स फाउंड ऑन गैलापागोस आइलैंड्स which later came to be known as Darwin finches were originally adopted with seed eating feature. शुरू में उनमें seed eating feature वाली finches थी। From this many other forms evolved with altered beaks. इसी common ancestor से, seed eating finch से कई सारी finches evolve हुई, जिनके की beak चोंच अलग अलग तरह की थी, depending upon their food habit, उनकी food habit के हिसाब से। This enabled them to become insectivorous. और ये फूड हैबिट क्योंकि ऑल्टर्ड बीक थी, चोंच अलग अलग तरह की थी, इंसेक्टिवोर्स भी बने, वेजिटेरियन फिंचेस भी बनी। बट नो स्पीसीज ऑफ फिंच फेड ऑन कैरियन। लेकिन कोई भी ऐसी फिंच नहीं थी जो डिकेइंग डेड मैटर को खाती हो। तो डेड मैटर को खाने वाली कोई भी फिंच नहीं थी। कैरियन इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के डिस्कशन पे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।